डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इस एक्सरसाइज 3.3 में अभी हमारे पास 19, 20, 21, 22 चार क्वेश्चन रह गए हैं। तो चार क्वेश्चन ये बताती हैं, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन है। तो ये है क्वेश्चन 19, टेन फोर ए इक्वल्स टू 4x है इक्वल्स टू, यहाँ पर दे रखा है हमें 4 tan x और ब्रैकेट में 1 - tan² x अपॉन 1 - 6 और 10² x और प्लस 10⁴x, ये प्रूफ करना है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे हम और इसको लिखेंगे 10⁴x। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 2 × 2x, तो 10 2a फॉर्मूला होता है 2 tan a ये है हमारे पास अपॉन 1 - tan² a। अब 10 2a का फिर दोबारा फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसको करेंगे 2 tan 2a का, तो 2 tan a अपॉन 1 - tan² x और इसका करेंगे तो 1 माइनस, यहाँ इसका 2 tan x अपॉन 1 - tan² x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 tan x, 4 tan x अपॉन 1 - tan² x अपॉन ए इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 - tan² x का होल स्क्वायर और माइनस 2 tan x का स्क्वायर अपॉन 1 - tan² x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ और ये और ये, तो ये आएगा हमारे पास 4 tan x और 1 - tan² x का होल स्क्वायर अपॉन ये इंटू ये, तो ये है 1 - tan² x, तो ये है और ये, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 + 10⁴x माइनस 2 tan² x और ये माइनस 4 tan² x। आगे इससे ये पावर कट जाएगी तो यहाँ आएगा 4 tan x और माइनस 1 - tan² x अपॉन यहाँ पे आएगा ये 1 + 10⁴x और ये जोड़ दें तो 6 tan² x। तो यही राइट हैंड साइड है, तो ये आया RHS। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है और देख लो अच्छी तरह से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास cos 4x इक्वल्स टू 1 - 8 sin² x cos² x, sin² x और cos² x ये।
वन माइनस एट साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉस फोर एक्स, तो कॉस फोर एक्स को हम लिख सकते हैं यहाँ से ऐसे कॉस टू इंटू टू एक्स, ये थीटा है, कॉस टू थीटा। फॉर्मूला वन माइनस, वन माइनस है इधर तो वही लगा दो, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स है हमारे पास टू एक्स। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो वन माइनस टू, अब साइन टू एक्स का फॉर्मूला टू साइन एक्स कॉस एक्स और इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ आएगा वन माइनस टू और इसका टू का स्क्वायर फोर और साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आया वन माइनस एट साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ये राइट हैंड साइड छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 22, 21 क्वेश्चन देखिए, 21 क्वेश्चन है हमारे पास कॉस सिक्स एक्स इक्वल्स टू 32 कॉस की पावर 6 एक्स और माइनस 48 कॉस की पावर 4 एक्स प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में कॉस कॉस नज़र आ रहा है, तो इसमें कॉस वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने और इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू 3 एक्स, ऐसे लिख लो, ये थीटा है कॉस टू थीटा, तो कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि ये माइनस 1 है, कॉस वाले में ही होता है माइनस 1। तो यहाँ लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये आया। अब यहाँ पे देखिए 2 और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद इसका होल स्क्वायर खोलो तो इसका स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये आएगा। अब थीटा नहीं है यहाँ, x है तो x लगा लो आप, और 2 का इसके अंदर मल्टीपल है, इसका होल स्क्वायर खोल लो तो 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 कॉस की पावर, पावर के ऊपर पावर होता है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 9 हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस 24 कॉस की पावर 4 एक्स और माइनस 1। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 32 कॉस की पावर 6 एक्स प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स और ये आएगा माइनस 48 कॉस की पावर 4 एक्स और माइनस 1, ये इसका आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो पहले इसमें ये है ना 6 एक्स को हमने किया 2 इंटू 3 एक्स, तो कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब कॉस 3 एक्स का फॉर्मूला लगाया, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये माइनस 1। अब इसका स्क्वायर ये आया, इसका स्क्वायर ये आया, इसका ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आएगा। ठीक है, अब वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, लास्ट है 3.3 एक्सरसाइज का।
तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन प्लस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा प्लस पाई बाई टू, और सेकंड ब्रैकेट है वन प्लस कॉट थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई बाई टू इक्वल्स टू टू कॉट थीटा। ये क्वेश्चन है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको उतार लो, तो वन प्लस कॉट थीटा और माइनस सेक 90 प्लस थीटा पाई बाई टू प्लस थीटा, या थीटा प्लस पाई बाई टू कर लो, एक ही बात है, और वन प्लस कॉट थीटा, और इसको भी ऐसे ही लिख लो सेक पाई बाई टू प्लस थीटा, और ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखिए, हमें ना ये चेंज करना है, ये वाला और ये वाला क्या होगा, तो यहाँ देखिए वन प्लस कॉट थीटा, ये सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा है ना, कोसेक थीटा होगा और माइनस का होगा, क्योंकि ये सेकंड चतुर्थांश में होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये सेक थीटा आएगा, वो कोसेक आएगा, सॉरी कोसेक थीटा। अब यहाँ देखिए, ये सेकंड वाला वन प्लस कॉट थीटा, और इसका सेक 90 प्लस थीटा, ये सेकंड चतुर्थांश से नेगेटिव आएगा, तो माइनस कोसेक आएगा, माइनस कोसेक थीटा। अब यहाँ पर देखिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ही होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, और प्लस के टू कॉट थीटा और माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस वाले से प्लस वाला कट गया, तो ये आया टू कॉट थीटा, इट इज आंसर। तो राइट हैंड साइड, ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, क्लियर है ना। अब इसके बाद में आप लोग, ये एक्सरसाइज तो संपन्न हो गई, अब आगे वाले क्वेश्चन जो फॉर्मूला हैं वो तीन फॉर्मूला बेस पे है। आगे वाले क्वेश्चन देखिए, उनमें कौन कौन से फॉर्मूला लगेंगे और कैसे कैसे होंगे, एक आध क्वेश्चन बताता हूँ और होमवर्क में दूंगा। तो देखो, आगे वाले जो क्वेश्चन है, इसके आगे चैप्टर 3 है, तो इसमें तीन फॉर्मूला हैं, एक है साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा, फर्स्ट वाला, तो थीटा इक्वल टू आएगा एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू एल्फा, ये आएगा पहला फॉर्मूला। दूसरा है इसमें कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस एल्फा, तो थीटा इक्वल्स टू टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा, ये आया दूसरा फॉर्मूला। और इसका थर्ड फॉर्मूला है टेन वाला, टेन थीटा इक्वल टू टेन एल्फा, तो थीटा इक्वल टू आएगा एन पाई प्लस एल्फा। ये तीन फॉर्मूला है, तीन फॉर्मूला पे आधारित है ये आगे वाली एक्सरसाइज, तो इसके सॉल्व एग्जांपल देख लो। अब चलो एक सॉल्व एग्जांपल ये बताता हूँ, मुख्य मान बताओ, सॉल्व एग्जांपल है 15। ये कह रहा है इसके मुख्य मान बताओ, टेन एक्स बराबर दे रखा है हमें माइनस वन अपॉन रूट थ्री, इसके मुख्य मान बताइए। तो यहाँ देखो, टेन में ये मान कितने का है, टेन में ये मान है भाई 30 का,
तो यहाँ पे देखिए टेन में नेगेटिव कहाँ कहाँ होती हैं, तो यहाँ नेगेटिव होता है टेन में, यहाँ तो पॉजिटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो ये फर्स्ट वाला लेते हैं हम, तो ये आएगा भाई 180 माइनस, तो पाई माइनस पाई बाई सिक्स, ये आएगा पाई माइनस पाई बाई सिक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं टेन एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स टेन में, और ये यहाँ भी मुख्य मान आएगा तो यहाँ आएगा टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स। तो इसको यहाँ ये भी लिख सकते हैं टेन में टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स, तो एक्स की वैल्यू एक तो ये आएगी फाइव पाई बाई सिक्स इससे, और इससे आएगी छः दूनी बारह में से एक गया तो ग्यारह पाई अपॉन सिक्स, तो ये मुख्य मान होंगे। मुख्य मान ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। हमने क्या किया, ये दे रखा है हमें, तो हमने देखा टेन में एक बटे अंडर रूट तीन किसका मान होता है, तो ये होता है तीस का, तो यहाँ माइनस तो ऐसे ही रहने दिया, टेन एक्स इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई सिक्स ये लिख लिया। अब हमें ये देखना है टेन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो यहाँ तो सारे के सारे प्लस के होते हैं, यहाँ टेन और कॉट प्लस का होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव होता है यहाँ पे होता है। तो अगर सेकंड चतुर्थांश लेंगे तो 180 माइनस करेंगे, और फोर्थ वाला लेंगे तो 260 माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ये और ये दो मान मुख्य मान निकालें। अब और भी कोई भी सवाल हो तो ऐसे ही आपको करना है। चलो इसके बाद और मुख्य मान देखते हैं। अब इसके बाद में मुख्य मान और एक आध देखना है, तो इधर देख लो, व्यापक हल है ये, तो मुख्य मान एक्सरसाइज के देख लो, मुख्य मान और व्यापक हल दोनों पूछे। चलो अब है ना मुख्य मान और व्यापक हल दोनों ही देखते हैं। तो एक सॉल्व एग्जांपल है हमारे पास 16। सॉल्व एग्जांपल 16, उसमें मुख्य मान और व्यापक हल दोनों निकालने। सॉल्व एग्जांपल 16, ये हमें दे रखा है 2 sin θ + 1 = 0, और ये कह रहा है का व्यापक हल ज्ञात करो, मुख्य मान नहीं व्यापक हल पूछा है उसने, इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये 1 को उधर ले गए, तो 2 sin θ = -1, और 2 से डिवाइड कर दिया तो sin θ = -1/2। अब अगर व्यापक हल पूछता है तो यहाँ देखो साइन कहाँ कहाँ माइनस का होता है, तो इन दोनों में तो प्लस का होता है, यहाँ होता है माइनस का, तो पाई प्लस, ये कितने का मान है, 30 का मान है, ये साइन 30 का मान है, ये 30 होता है पाई बाई सिक्स, तो यहाँ पे लिख दो पाई बाई सिक्स, ठीक है। फर्स्ट वाले को ही लेते हैं व्यापक हल में, ये सेकंड वाला नहीं लेंगे, मुख्य मान होंगे तो दोनों लेंगे और व्यापक हल लेंगे तो फर्स्ट वाला लेंगे ये। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई सिक्स। हमने ये देखा है माइनस साइन का कहाँ होता है, तो यहाँ होता है, यहाँ भी होता है। अगर मुख्य मान देखते तो ये दोनों देखते, अब व्यापक हल देखते हैं तो फर्स्ट वाला देखते हैं, तो ये हो जाएगा sin θ = sin 6 यानी 7π/6 आया, तो sin θ = sin α, तो θ = आएगा n π + -1n, और α है 7π/6। तो ऐसे आपको ये व्यापक हल निकालना है, ठीक है ना। तो सोल्व एग्जांपल ये क्या है 16। तो एक और अगर देखना चाहो तो एक और देख लो, इसका व्यापक हल देख लो 17 देखो। सॉल्व एग्जांपल 17 देख लो एक लास्ट, तो इसमें पूछा है उसने साइन
एक्स इक्वल्स टू है दे रखा है माइनस अंडर रूट तीन बटे दो का व्यापक हल बताओ। इसका व्यापक हल पूछा है उसने, तो यहाँ देखो साइन में ये मान कितने का होता है, तो साइन 60 का होता है ये। अब साइन नेगेटिव कहाँ होता है, तो साइन नेगेटिव यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, तो ये आएगा पाई प्लस पाई बाई थ्री। व्यापक हल पूछा है इसलिए फर्स्ट वाला, अगर मुख्य मान पूछता तो इधर लिखते 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री। तो ये इसको हम यहाँ लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई थ्री। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन 4 पाई अपॉन 3। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा। अल्फा हमारे पास ये है, तो ऐसे आपको व्यापक हल निकालना है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होंगे, और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो इस टाइप के क्वेश्चन कल हम बहुत सारे बताएंगे, तो चिंता की कोई बात मत करना, और धन्यवाद।